क्वेश्चन में ये दीवार है, ये ग्राउंड है, ये मास एम है, रेस्ट में ये, ठीक है, और इसकी स्पीड वी है। जितने भी कोलिजन है सारे परफेक्टली इलास्टिक हैं। ये कह रहा है कि जितने भी कोलिजन है सारे परफेक्टली इलास्टिक हैं, क्या होगा? सुनो, जब ये इसे टकराएगा ना तो ये तो रुक जाएगा इसकी जगह के, और इसकी स्पीड वी हो जाएगी, हो जाएगा। फिर ये जाके दीवार से टकराएगा, इसकी पलट के वी हो जाएगी। फिर ये वापसी इससे आगे टकराएगी, यहाँ पर रुकी बोल से, तो उसकी स्पीड वी हो जाएगी, रुका रह जाएगा। देखो पता क्या होगा, सुनो, इसकी पिक्चर्स बनाता हूँ पहले कोलिजन के बाद क्या होगा। ये तो इसकी जगह रुक गया, ये एम मास है, वेलोसिटी जीरो है, और ये चल पड़ा इधर, ये जाके इसे टकरा जाएगा। अब फिर इसे टकरा के वापसी हो जाएगा, रिबाउंड मारेगा ये, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन दीवार के साथ है। इसकी वेलोसिटी जीरो और इसकी वेलोसिटी वी, फिर ये इसे टकरा जाएगा। जब ये इसे टकराएगा तो क्या होगा बताइए? इसकी वेलोसिटी जीरो, इसकी वेलोसिटी वी, ये इसे टकरा के इसकी जगह रुक गया, और ये वाला चल पड़ा वी की स्पीड से। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही आपको? कोई डाउट हो तो बताओ इसे इसके अंदर। यानी कि इसने पहला बोला कि देयर आर द ओनली थ्री कोलिजन्स। देखो एक पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हुआ, और तीसरा ये हुआ, सही है। द स्पीड ऑफ द फर्स्ट बॉल इज रिड्यूस टू जीरो फाइनली आफ्टर ऑल कोलिजन्स। नहीं, फर्स्ट बॉल तो ए वाली बॉल है, फाइनली जीरो नहीं होगी, इसकी स्पीड भी होगी फाइनली। ओनली टू कोलिजन्स आर पॉसिबल, गलत है ये। द स्पीड्स ऑफ द बॉल्स रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर ऑल कोलिजन्स हैव टेकन प्लेस, सही है ये भी। स्पीड तो इसकी जीरो थी पहले भी और अभी भी जीरो है, इसकी भी थी, इस तरफ डायरेक्शन बदली है, लेकिन इसने वेलोसिटी की बात नहीं की, स्पीड की बात कही है। तो फर्स्ट करेक्ट है और फोर्थ करेक्ट है, फर्स्ट और फोर्थ, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट।